गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम हैं नौकुचिया ताल में, जैसे कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कुछ वाटर एक्टिविटीज करने। बेड कितने का है? ये 600 रुपए का, बेड 500 का है। हमने शिकारा बुक कर लिया है, ओपन सोफा जो प्री वेडिंग में यूज होती है। तो इसका रेट 600 है भैया, बिल्कुल कम नहीं करता है इसमें, बाकी आपके ऊपर है। सो वी आर फाइनली बैक टू द रूम आफ्टर हैविंग द शिकारा बोट राइड, जो कि बहुत अच्छी लगी। मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। और ये हमारी बालकनी है, और बालकनी से व्यू अगर मैं आपको दिखाऊंगा, दिल खुश कर देने वाला व्यू है। ये पायल बैठी है बालकनी में, एंड दिस इज द व्यू। सामने वो जो हिल है कैलाश पर्वत, परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग। ऐसे घर खरीद लो पहाड़ों में, जब जैसे लगे दिल्ली में हालत खराब। रास्ता बनवा लियो बट यहाँ पे रास्ता, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं बहुत, मतलब 2 किलोमीटर का तो अराउंड ऑफ रोडिंग है, पूरा कच्चा रास्ता पत्थरों वाला। बट ये कह रहे हैं यहाँ पे फंड आया था 2 करोड़ रुपए पूरा रोड बनाने के लिए, बट कोविड की वजह से काम रुक गया, कहीं और रिक्वायर्ड थे तो वहाँ लगा दिए। ये वाला गांव ऐसे ही रह गया, तो गांव वालों ने भी पिटीशन डाल रखी है, होटल वालों ने भी, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब इंसान आता है पहाड़ों पर शांति के लिए, जो हमारी सिटी लाइफ है उससे बाहर आने के लिए, वहाँ के शोर शराबे से बाहर आने के लिए। बट हम पहाड़ में आए हैं, सामने शादी हो रही है और गाने बज रहे हैं। अखियां में चोगम दिया बरसाता नू, यहाँ पे भी भाई पंजाबी कौन आ गए, यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया इतनी शांति में। ये लड़की पागल है। दिल्ली का माहौल बना दिया यहाँ पे भी, इतनी मुश्किल से तो दूर आए थे दिल्ली से, शोर शराबे से। शोर इतना नहीं है, अच्छा है। कौन है ये लोग? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। फ्रूट्स खा रहे थे यहाँ पे बैठ के और व्यू एंजॉय कर रहे थे बालकनी में। कल रात को जो यहाँ पे शादी हो रही थी, हमने आपको दिखाया था, गाने बज रहे थे यहाँ पे काफ़ी देर तक, बजे रात को 11 बजे तक यहाँ पे गाने बज रहे थे, तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर था बट एनीवे। और वैसे कितना दूर है वहाँ, बट आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे यहाँ पे डीजे बज रहा हो बिल्कुल। बट तो यहाँ पे वो इको फैक्टर है पूरे हिल्स में। ये साथ वाले कॉटेज में कोई योगा कर रहा है, मैं दिखाती हूँ जूम करके, देखो इसलिए इनको भी ये शौक चढ़ा है योगा करने का। नौकुचिया ताल में एक फेमस मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है यार आज सुबह सुबह। ये मूर्ति बनी हुई है हनुमान जी की, ये देख मंदिर से पूरा व्यू दिख रहा है। और ये पैराग्लाइडिंग हो रही है भीमताल में जो होती है ना, कहाँ पे सामने देख। ओ हाँ, तो कुछ गए हैं कैकिंग का डेमो लेने कि इतनी सेफ है, इजीली कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कुछ गए हुए हैं ज़िपलाइनिंग के लिए, भी उनका नंबर आया नहीं, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ शूट करने के लिए कि यहाँ से कुछ अच्छा एंगल आया तो अच्छा शूट कर पाऊंगी। सो लेट्स सी, ये रे ज़्यादा लंबी नहीं है, 200 मीटर की है यहाँ से उस कोने तक, बट मज़ा तो आने वाला है बॉस।
जस्ट फाइनली डन द जिप लाइनिंग थिंग. कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मस्त. अच्छा अच्छा था. छोटा है बट सही है. अच्छा एक बड़ी वाली भी है लेकिन वो करी नहीं हमने. केड़ा हो जाता. सो अभी हम ये पैडल वाली बोट कर रहे हैं बिकॉज मौसम बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा मौसम है. बिल्कुल धूप नहीं है और अभी दोपहर के 12 बजे हैं फिर भी क्लाउडी है. दिस इज द लेक नौकुचियाता वाली. काफ़ी सुंदर है. एंड ऑल्सो अगर आप भीमताल या नैनीताल सोचते हो तो आप यहाँ भी आ सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. हाँ लाइक यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत एक्टिविटीज़ हैं और मतलब बिल्कुल भी शोर नहीं है, बिल्कुल कामनेस और पीसफुल है. तो यस दिस इज अ गुड प्लेस टू कम. फॉर दिस बोटिंग इज 200, जिप लाइनिंग के 300 एंड दैट फॉर शिकारा बोट. अगर आप पूरी प्राइवेट ओपन सोफा वाली शिकारा बोट करते हो तो प्राइस ऑफ दैट इज 600. आजकल सीजन हाई है तो शायद ये रेट है, ऑफ सीजन में आई थिंक कम होंगे. तो बहुत अच्छा है बट एक्सपीरियंस. मौसम भी बहुत अच्छा है इसलिए एक्सपीरियंस डबल अच्छा हो रहा है. प्रैक्टिस कर लूँगी, प्रैक्टिस उनकी बना के प्रैक्टिस करूँगी. जब बंदा मेन आया उसने ऑन ही नहीं किया कैमरा. तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मुझे गलती क्या, मैं इतनी देर तक खड़ी रही फोन हाथ में लेके कि अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा और मैं वीडियो बनाऊंगी. मैंने बनाई थी, कुछ नहीं बनाई, पता नहीं कहाँ चली गई. शिट. तो गाइस हमारे साथ एक बहुत बढ़िया बात हो गई. हमारे रूम में ना कुछ वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इनको कल ये इशू रेज करा तो इन्होंने हमारा रूम अपग्रेड कर दिया टू दिस रूम जो हाई कैटेगरी रूम है, स्वीट बोलते हैं इसको ये, जिसमें से ये बड़ी सी बालकनी है और व्यू देखो. हमारा कॉटेज पहले वहाँ एंड वाला था, अब इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर कॉटेज दे दिया राइट साइड का जहाँ पे हमारे को पूरी नौकुचियाताल क्लियर दिख रही है और 9 कॉर्नर्स भी दिख रहे हैं. एक वोरा कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुझे तो यही दिख रहे हैं. तो ये 9 कॉर्नर्स लेक है और ये कॉटेज बाहर से ये व्यू की वजह से इसको स्वीट कहते हैं शायद. एक माइनर सा डिफरेंस है बस अंदर, ये जो ऊपर आप देख रहे होंगे मेरे सीलिंग उस ये इसमें नॉर्मल सीलिंग है, उसमें थोड़ा वो टेंट वाली थी और इसमें थोड़ा इंटीरियर इन्होंने फाइन कर रखा है और सब सेम है. किचन भी बना रखा है यहाँ पे और व्यू इसका भी इक्वली अच्छा है सेकेंड बालकनी का. जी में खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है जैसे कि हमने पहले ही बताया था, तो हम सारी मील्स यहीं पे ले रहे हैं. होम कुक्ड फूड मिल रहा है, सब बहुत बढ़िया टेस्ट का है. अभी हमने लंच कर लिया, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चिल करेंगे जिसके लिए हम आए हैं. और कल हमारा चेकआउट भी है वापस दिल्ली. तो इट्स 7 इन द इवनिंग और सनसेट सामने है अपने. बहुत अच्छा सनसेट है ना. बहुत ब्यूटीफुल है सनसेट, हमेशा अच्छा होता है. तो आज तो सिर्फ नौकुचियाताल में काफी लोग दिख भी रहे हैं बोटिंग करते हुए. देखो नौकुचियाताल में तो काफी लोग करते हैं बोटिंग. इतना क्राउडेड नहीं है, मतलब सही सही क्राउड है, आपको कहीं पे भी वेट नहीं करना पड़ेगा. जो बेस्ट पार्ट लगा नौकुचियाताल का वो यही था कि आप नैनीताल में भी हुई और मतलब ऐसे हिल एरिया में भी हो, आपके सामने ताल भी है यानी कि लेक भी है तो बहुत अच्छा है. नैनीताल इसलिए नहीं गए बिकॉज वो ओवर क्राउडेड हो रखा था, जैसे सुनने में आ रहा था कि बहुत लोग आए हुए हैं. नैनी झील भी भरी पड़ी है पूरी और जो होम स्टेज और जो जितने भी होटल्स हैं उन्होंने बहुत ओवर प्राइस भी करा हुआ था क्योंकि ये टाइम होता है तो वो करते ही ओवर प्राइस. बट हमें थोड़ी शांति चाहिए थी, थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन है, अनएक्सप्लोर्ड बट बहुत सुंदर है. और ये वाली जो लोकेशन है, इस रिजॉर्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हर वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी डाल दूंगा, सेकंड पार्ट में भी, और आप देख सकते हो अगर आपको पसंद है. थोड़ी लोकेशन ऑफ बीट है, ऑफ रोडिंग है, वो हमने आपको बता ही दिया. अगर आपको 2 किलोमीटर ऑफ रोड इज ओके फॉर यू, आपकी कार सही है तो यू कैन कम हियर एंड स्टे. फूड इज ब्रिलियंट. अच्छा यहाँ पे सर्विस, मतलब दिस इज नेस्ट एंड हाइव्स रिजॉर्ट इन नौकुचियाताल और इसकी इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. खाना एकदम फ्रेशली कुक्ड होता है, उसी टाइम बनाते हैं जो भी आप ऑर्डर करते हो. 1 घंटा लेते हैं, 1.5 घंटा प्रॉपर घर की तरह खाना मिलता है और कोई भी ड्रॉबैक नहीं है. मतलब बस ऑफ रोडिंग वाला ही सीन था जिसमें हम देख के पहले हमें लगा कि यार ऑफ रोडिंग कैसे जाएंगे, बट वो ऑफ रोडिंग के बाद जब हमने देखा कि सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब द कॉटेज इज़ वेरी ब्यूटिफुल, व्यू बहुत सुंदर है,
मतलब हर चीज़ इज वेरी गुड, सिर्फ वो ऑफ रोडिंग का थोड़ा सा वो है, अगर आप वो मैनेज कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा है. मतलब अवे फ्रॉम द सिटी और बिल्कुल डिफरेंट सी लोकेशन है, वेरी ब्यूटीफुल. राइट, और ये हमें अराउंड 5000 पर नाइट पड़ा, विच इज़ रीजनेबल इतने पीक सीजन में जहाँ पे छोटे से छोटा होटल ही 4-5 हज़ार ले रहा था. राइट, तो ये भी हमें थोड़ा ऑफ बीट लगा, अच्छा लगा, विच वी रियली लाइक, जो हमें चाहिए भी था. हमने इवनिंग में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे बैठ के चिल किया, और वही सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट था. हमने ये रिजॉर्ट भी इंजॉय करना था, और कल हमारा चेकआउट है अर्ली इन द मॉर्निंग, हम यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए. तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन पे बताना कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, हमने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी दी. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब पायल एंड कुश व्लॉग्स. ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आपके पास लेके आते रहेंगे, एंड मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.